लाडवा में भारी संख्या में दुकानदार लोग, युवा व आसपास के गांव के लगभग 500 लोगों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले से करीब 44 जवानों के शहीद होने की घटना से शनिवार को रामकुंडी चौक से शहर के अंदर एक रोस मार्च निकाला, जो कि रामकुंडी चौक से शुरू होकर मैन बाजार, सराफा बाजार, इनोरी चौक, अनाज मंडी, अम्बेडकर चौक से होते हुए वापिस रामकुंडी चौक पर सम्पन्न हुआ। रोस मार्च में डॉक्टर गणेश दत्त, शालू बंसल, अमन सिंगला, बलदेव राठी, जोग ध्यान, प्रवेश व्यास, स्वेटी भूलर आदि ने कहा कि इस घटना में देश ने 40 बेटों को खो दिया है, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि आज निंदा करने का नहीं बल्कि बदला लेने का समय है, इसलिए केंद्र सरकार आतंकवाद के खिलाफ ऐसी कार्यवाही करे कि फिर से आतंकवाद इस देश पर नजर न उठा सके। वहीं रोस मार्च को लेकर शहर के अधिकतर दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें 5 बजे ही बंद कर दी और आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं रोस मार्च के दौरान लोगों ने अपने हाथों में जलती हुई मसाले, कैंडल, बैनर और तिरंगे लेकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं रोस मार्च में शहर की धार्मिक सामाजिक संस्था श्री अग्रवाल सभा, युवा अग्रवाल सभा, पंजाबी सभा, ब्राह्मण सभा, अग्रवाल महिला विंग, जवालाजी सेवा मंडल, पैराडाइज यूथ एसोसिएशन, हरियाणा सेवा दल लाडवा, रोटरी रोट्रैक क्लब, बजरंग दल लाडवा, जाट आरक्षण संघर्ष समिति आदि ने रोस मार्च में भाग लिया। यहाँ सभी लाडावासी इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जो पाकिस्तान ने हरकत किया है, इसका पता लगाने के लिए सारे देशवासियों को पुलवामा में आतंकवादियों ने हरकत की है वो निंदनीय है। शहर इसी और केंद्र सरकार को चेत करने के लिए कि हमें बदला चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। ये पूरा देश एकजुट है, हम पाकिस्तान को जो आतंकवाद का पोषण कर रहा है, हम चाइना को जो इनका समर्थन कर रहा है, आज उसकी सब यात्रा निकाल रहे हैं। हम बदला लेकर रहेंगे, हम किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेंगे। हाँ बलदेव राठी जी, क्या कहना है इसकी घटना के बारे में? देखिए, इतनी जघन्य घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आज देश के प्रधानमंत्री को निर्णय लेना होगा कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया जाए।